हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये फैक्ट्री एक्ट 1948 आने से पहले क्या स्थिति थी, यानी कि उसके हिस्ट्री के बारे में कि फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है वो क्यों लाया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, ये एक्ट आने से पहले देश में जगह जगह पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा था। इस कारणों की वजह से वर्कर की संख्या भी जो थी वो वहाँ पर बढ़ रही थी काम करने के लिए। लेकिन जो कंपनी के ओनर्स थे, यानी कि जो भी फैक्ट्री के ओनर हो या फिर इंडस्ट्री के ओनर हो, उनकी तरफ से जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे थे। क्योंकि वहां पर फैक्ट्री के जो ओनर थे वो ये सोचते थे कि वर्कर की तरफ से हमें सिर्फ काम लेना है, लेकिन उनके हेल्थ और सेफ्टी के बारे में उनको नहीं सोचना है। और उसके अलावा वहां पर यंग पर्सन हो, वुमन हो या फिर चिल्ड्रंस हो, वो भी वहां पर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उनके भी बारे में वहां पर कोई भी सोच नहीं रहा था। तो फिर एक सर्वे से ऐसे पता चला कि वहाँ पर काम करने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही पुअर थी। फिर उसके बाद था कि जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे थे तो वो कितने घंटे तक काम करे वो भी वहाँ पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि वर्कर के जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज थे उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता था। फिर उसके बाद था कि वर्कर को कितनी लागत दी जाए, यानी कि कितना पेमेंट दिया जाए, वो भी वहाँ पर फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद था कि कंपनी के ओनर की तरफ से काम जल्दी खत्म होना चाहिए, इसलिए वो वर्कर से दिन रात काम कराता था, लेकिन उसके ऊपर कितना ओवर टाइम देना चाहिए वो भी वहां पर फिक्स नहीं था। और फिर उसके बाद था कि वर्कर को जो भी वेलफेयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि कंपनी में जो है वो टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, रेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, तो ऐसी जो वेलफेयर फैसिलिटी थी वो भी वहां पर प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स है उनके रिलेवेंट एक लॉ अमेंड किया गया, जो था फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसको पास किया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 28 अगस्त 1948 को, और बाद में इसको 1 अप्रैल 1949 को फोर्स में लाया गया। तो इस प्रकार जो थी ये फैक्ट्री एक्ट की हिस्ट्री थी। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे कि इसके पहले हमने जाना था कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले वर्किंग कंडीशन जो थी वो काफी पुअर थी। तो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही रहा कि वर्किंग कंडीशन जो थी फैक्ट्री की उसको रेगुलेट किया जाए, उसको सुधारा जाए। दूसरा पॉइंट है कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो उनके हेल्थ के बारे में, सेफ्टी वेलफेयर के बारे में या फिर उनके एनुअल लीव के बारे में कोई भी सोच नहीं रहा था। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री एक्ट को लाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो भी वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं उनके हेल्थ के बारे में, सेफ्टी वेलफेयर के बारे में, उनके एनुअल लीव के बारे में सोचा जाए और उसमें बहुत सारी ऐसी तरतूद की जाए ताकि वर्कर जो है वो वहां पर कंफर्टेबली काम कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि फैक्ट्री एक्ट को लाने से पहले इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बहुत सारे यंग पर्सन्स, वुमन हो या फिर चिल्ड्रंस जो थे वो काम कर रहे थे और उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो फैक्ट्री एक्ट को लाने का ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि जो भी यंग पर्सन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जो भी वुमन काम कर रही है या फिर जो भी चिल्ड्रंस उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए, तो उसके लिए इस फैक्ट्री एक्ट को लाया गया। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में, यानी कि इस फैक्ट्री एक्ट में क्या चीजें जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडेक्स के बारे में कि इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या है। तो यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर्स है और टोटल 120 सेक्शंस है। तो चैप्टर 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी का, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 7B तक है। चैप्टर 2 जो है वो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ का, जिसमें सेक्शन 8 से लेकर 10 तक है। चैप्टर 3 है हेल्थ का, जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 20 तक है। चैप्टर 4 है सेफ्टी का, जिसमें सेक्शन 21 से लेकर 41 है। चैप्टर 4A है हजार्डस प्रोसेस के प्रोविजंस के रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 41A से लेकर 41H है। चैप्टर 5 है वेलफेयर के बारे में, जिसमें सेक्शन 42 से लेकर 50 तक है।
चैप्टर 6 है एडल्ट्स के वर्किंग हावर्स के बारे में, जिसमें सेक्शन 51 से लेकर 66 है। चैप्टर 8 है यंग पर्सन्स के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें सेक्शन 67 से लेकर 77 तक है। चैप्टर 8 है एनुअल लीव के बारे में, साथ ही में वेजेस के बारे में, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 78 से लेकर 84 तक। चैप्टर 9 में स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन 85 से लेकर 91A तक है। चैप्टर 10 में बताया गया है पेनल्टीज और प्रोसीजर के बारे में, जिसमें सेक्शन 92 से लेकर 106A तक है। और चैप्टर 11 है सप्लीमेंटल के बारे में, जिसमें सेक्शन दिए गए हैं 107 से लेकर 120 तक। तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट 1948 में टोटल 11 चैप्टर्स है और 120 सेक्शंस है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में, कि इसमें कौन कौन से सेक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें दिया गया है कि ये जो एक्ट है ये कब से लागू हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 1949 से इस एक्ट को कमेंसमेंट किया गया है, यानी कि वो एक्ट उस तारीख से फोर्स में लाया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 है, वो है इंटरप्रिटेशंस का। इसमें बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन जो है वो बताई गई है जो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि उसमें एडल्ट के बारे में बताया गया है। तो एडल्ट यानी कि वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र जो है वो पार कर चुका हो। फिर उसके बाद है एडोलसेंट। तो एडोलसेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार नहीं किया है, लेकिन 15 साल की उम्र को वो पार कर चुका है, यानी कि 15 साल से 18 साल के बीच के दायरे को एडोलसेंट व्यक्ति कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कि जो 12 महीने का होता है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है। फिर उसके बाद है चाइल्ड। तो चाइल्ड यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जिसने 15 साल की जो उम्र है वो क्रॉस नहीं की है, मतलब 15 साल के कम ही उसकी एज है। फिर उसके बाद आता है कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि ऐसा पर्सन या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज किया गया है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ताकि वो जो पर्सन है या फिर इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर टेस्ट कैरिड आउट कर सके, उसका एग्जामिनेशन कर सके, या फिर फैक्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो इंस्पेक्शन कर सके। फिर उसके बाद है हजार्डस प्रोसेस। तो हजार्डस प्रोसेस यानी कि इंडस्ट्री में होने वाली जो भी एक्टिविटी है, तो उसको होने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से जो भी वेस्ट निकलता है या फिर पोल्यूशंस होता है या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्कर के हेल्थ के ऊपर होता है, तो ऐसी प्रोसेस को हजार्डस प्रोसेस कहा जाता है। फिर उसके बाद है यंग पर्सन। तो यंग पर्सन यानी कि वो आइदर चाइल्ड भी हो सकता है या फिर एडोलसेंट भी हो सकता है, जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि चाइल्ड यानी कि क्या होता है और एडोलसेंट यानी कि क्या होता है। फिर उसके बाद आता है डे। डे यानी कि जिसमें 24 हावर्स होते हैं, जिसकी शुरुआत मिडनाइट से शुरू होती है। फिर उसके बाद आता है वीक। वीक यानी कि जिसमें टोटल 7 डेज होते हैं और जिसकी शुरुआत सैटरडे के मिडनाइट से होती है। फिर उसके बाद है पावर। पावर यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर ऐसी कोई भी एनर्जी जिसको मैकेनिकली ट्रांसमिटेड किए जाए, लेकिन वो जो एनर्जी है वो किसी भी आदमी या फिर एनिमल से जनरेट ना हो। फिर उसके बाद है प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर यानी कि ऐसा इंजन, ऐसी मोटर या फिर ऐसा कोई भी अप्लायंस जो जनरेट करता हो या फिर प्रोवाइड करता हो पावर। फिर उसके बाद है ट्रांसमिशन मशीनरी। तो ट्रांसमिशन मशीनरी यानी कि कोई भी शाफ्ट हो, व्हील हो, ड्रम हो, पुल्ली हो या फिर सिस्टम ऑफ पुलीज हो, जिसकी मदद से प्राइम मूवर का जो भी मोशन है उसको ट्रांसमिटेड किया जा सके कोई भी मशीनरी की तरफ। फिर उसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी यानी कि जिसमें प्राइम मूवर्स आता हो, ट्रांसमिशन मशीनरी आती हो या फिर ऐसे सभी अप्लायंसेस आते हो जिससे पावर जो है वो जनरेट होता हो या फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता हो या फिर ट्रांसमिटेड किया जाता हो। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि जिसमें किसी चीज़ को बनाया जाता हो या फिर किसी चीज़ को अल्टर किया जाता हो, चेंज किया जाता हो या फिर किसी चीज़ को रिपेयर किया जाता हो, फिनिशिंग किया जाता हो, पैकेजिंग किया जाता हो, तो ये जो सारी प्रोसेस होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है वो है वर्कर। तो वर्कर यानी कि जो भी एम्प्लॉयर है उसके अंडर में जो भी प्रिमाइसेस है, तो उस प्रिमाइसेस में जो भी पर्सन्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं, वो चाहे मशीन को साफ कर रहे हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो काम कर रहा हो, तो उनको वर्कर कहा जाता है। फिर उसके बाद है फैक्ट्री।
फैक्ट्री यानी कि ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस हो सकता है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो सके, यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए 10 आदमी हो या फिर 10 से ज़्यादा वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, वो चाहे साल के किसी भी दिन कर रहे हो, और वो काम करते वक्त वो अगर पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए वो अगर 10 आदमी हो या फिर 10 से ज़्यादा आदमी उस प्रीमाइसेस में अगर काम कर रहे हो तो वो फैक्ट्री अंडर कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर यानी कि ऐसा पर्सन जिसका उस फैक्ट्री के ऊपर टोटल कंट्रोल हो, यानी कि उस फैक्ट्री का जो ओनर है उसे ऑक्यूपायर कहा जाता है। अब ये जो ऑक्यूपायर है ये एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ मेंबर भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 3 जो है उसमें रेफरेंस दिया गया है टाइम ऑफ डे के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो सेपरेट फैक्ट्री हो या फिर 2 से 3 फैक्ट्री हो या फिर एक सिंगल फैक्ट्री हो तो उनके पास क्या पावर होता है कि जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सके। फिर उसके बाद सेक्शन 5 में बताया गया है पावर टू एक्सेम ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। फिर उसके बाद सेक्शन 6 में बताया गया है फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके अप्रूवल के बारे में, उसके लाइसेंस के बारे में। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में बताया गया है ऑक्यूपायर के नोटिस के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ऑक्यूपायर ने किसी भी प्रीमाइसेस को एज अ फैक्ट्री को ऑक्यूपाई करने से पहले उससे ठीक कम से कम 15 दिन पहले जो है चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटर्न नोटिस देनी है जिसमें उसने फैक्ट्री के बारे में डिटेल देनी है, यानी कि फैक्ट्री का नाम क्या है, उस फैक्ट्री की क्या सिचुएशंस है, ऑक्यूपायर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस प्रीमाइसेस का जो ओनर है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बिल्डिंग के ओनर का नाम क्या है, जिसकी रिलेवेंट फैक्ट्री है उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें क्या होने वाली है। तो ये जो सारी डिटेल्स है ये उसको एक रिटर्न नोटिस में चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 7A में बताया गया है ऑक्यूपायर के जनरल ड्यूटीज के बारे में, जिसमें बताया गया है कि ऑक्यूपायर की जो भी फैक्ट्री है उसमें जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि उनके हेल्थ के बारे में, उनके सेफ्टी के बारे में और उनके वेलफेयर के बारे में वो ध्यान दे। फिर उसके बाद बताया गया है कि फैक्ट्री में जो भी प्लांट है उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए और वो मेंटेनेंस करते वक्त उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्कर के हेल्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसकी भी प्रोविजन करनी है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्संस काम कर रहे हैं यानी कि काम करते वक्त जो भी वो मटेरियल को हैंडल कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो करते वक्त उनके हेल्थ के बारे में और उनके सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना, ये भी ऑक्यूपायर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि वर्कर जो भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उसको मालूमात होनी चाहिए, तो उसके लिए उसको कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करना है, वहाँ पर सुपरविजन प्रोवाइड कराना है, ये भी ऑक्यूपायर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में जितने भी प्लेसेस है उन सभी प्लेसेस में रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, इग्रेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखना ऑक्यूपायर का काम है। फिर उसके बाद सेक्शन 7B में बताया गया है मैन्युफैक्चरर्स के जनरल ड्यूटीज के बारे में, वो भी रिगार्ड्स आर्टिकल्स और सब्सटेंस के बारे में। इसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी सब्सटेंसेस का वहां पर इस्तेमाल किया गया है तो उसके बारे में सारे आर्टिकल्स वहां पर होने चाहिए, वो जो सब्सटेंस है वो प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। चलिए जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 2 के बारे में, जो है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इसमें सेक्शन 8 दिया गया है इंस्पेक्टर के बारे में। अब ये जो इंस्पेक्टर है इसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये फैक्ट्री के इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी वर्क कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्रीज के चीफ इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करता है और उसकी मदद के लिए, एडिशनल हेल्प के लिए, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर और डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर को चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में काम करने के लिए बोलता है, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर को जो ज्वाइंट इंस्पेक्टर है और डिप्यूटी इंस्पेक्टर है वो असिस्ट कर सके। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं तो वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के एक इंस्पेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 9 है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। तो इसमें आता है कि जो भी पर्संस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऐसे प्रीमाइसेस में वो डायरेक्टली वहां पर इंटर कर सकता है। फिर उसके बाद है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में या फिर प्लांट में या फिर आर्टिकल को वो वहां पर एग्जामाइन कर सकता है।
फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में कोई अगर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर डेंजरस ऑकरेंस हुआ हो तो उसकी इंक्वायरी भी करना ये इंस्पेक्टर का काम होता है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन का काम चल रहा हो तो उसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वो वहाँ पर सीज भी कर सकता है, उसको चेक भी कर सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 10 जो है वो है सर्टिफाइड सर्जन का। अब सर्टिफाइड सर्जन जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उस सर्टिफाइड सर्जन को फैक्ट्री जो है वो असाइन की जाती है, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना ये सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। इसके अलावा फैक्ट्री में जो भी यंग पर्सन काम कर रहे हैं उनको एग्जामाइन करना और उनको सर्टिफाइड करना ये भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। इसके अलावा जो भी पर्सन्स फैक्ट्री में जो भी डेंजरस काम हो या फिर हजार्डस सिचुएशंस को वो अगर हैंडल कर रहे हो तो उन सारे वर्कर्स का एग्जामिनेशन करना ये भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। और इसके अलावा मेडिकल सुपरविजन करना उस फैक्ट्री में वो भी सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है, यानी कि वर्कर को किसी भी नेचर ऑफ वर्क को करते हुए अगर उसको इलनेस अगर होती है तो उसको भी देखना एक सर्टिफाइड सर्जन का काम होता है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 3 के बारे में जो है हेल्थ। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इस चैप्टर में टोटल 10 सेक्शन दिए गए हैं जिसमें सेक्शन 11 से लेकर 20 तक है। अब ये 10 सेक्शन जो है ये आपने कैसे याद रखना है तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, CDVD ए ओल्ड और लस, यानी कि LS। तो DVD ओल्ड और लस ये तो आपको ध्यान में रहेंगे ही, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सी और ए जो है वो DVD के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 11 जो है वो है क्लीनलीनेस का। तो इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में जो भी वर्क रूम है तो उसका जो फ्लोर है उसकी हर वीक में एक बार जो है वो सफाई होना बहुत ही जरूरी है, ये कंपलसरी है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री के जो वॉल्स है जो सीलिंग्स है तो उसको 5 साल में एक बार जो है वो पेंट होना चाहिए, और अगर उस वॉल को या फिर सीलिंग को जो वॉशेबल जो वाटर पेंट होता है उससे अगर पेंट करते हैं तो हर 3 साल में आपको उसको पेंट करते रहना है। इसके अलावा उस वॉल को और सीलिंग को हर 14 महीने में एक बार साफ करते रहना है। फिर उसके बाद है कि फैक्ट्री के सभी डोर्स हो या फिर विंडोज हो उसको भी 5 साल में एक बार जो है वो रिपेंट करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 12 में बताया गया है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है और इन्फ्लुएंस है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 13 में बताया गया है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, यानी कि फैक्ट्री में वर्कर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना है और वहाँ पर टेम्परेचर भी जो है वो मेंटेन करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 14 में बताया गया है डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्री में अगर काम करते वक्त डस्ट जनरेट होता है या फिर फ्यूम जनरेट होते हैं तो उसको भी कंट्रोल करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 में बताया गया है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल करेंगे वो पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि ऐसा पानी होना चाहिए जो हम ड्रिंक भी कर सके, उसी वाटर का आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि वो जो पानी है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए बल्कि वो शुद्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 16 में बताया गया है ओवर क्राउडिंग के बारे में। इसमें बताया गया है कि ये जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है ये आने से पहले जो भी फैक्ट्रीज बनी हुई है तो वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हर एक वर्कर को वहाँ पर काम की जो स्पेस है वो 9.9 m³ की मिलनी चाहिए, यानी कि उतनी स्पेस में वो फ्रीली काम कर सके। और जब ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू हुआ और उसके बाद जो भी फैक्ट्री बनी है तो वहाँ पर वर्कर की जो स्पेस है काम करने की तो वो 14.2 m³ होनी चाहिए, यानी कि उतनी स्पेस जो है वो हर एक वर्कर को वहाँ पर काम करने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन वर्कमैन अगर फ्लोर लेवल के 4.2 मीटर के अबाव में अगर काम करते हैं तो ये कंडीशन वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी के साथ में दूसरा आदमी भी काम कर सकता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 17 जिसमें लाइटिंग के बारे में बताया गया है, यानी कि फैक्ट्री में जहाँ कहीं भी काम हो रहा है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 18 में बताया गया है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में।
इसमें बताया गया है कि जहां पर भी 250 वर्कर अगर है तो वहां पर आपको एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो प्रोवाइड कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 250 से कम अगर वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं तो वहां पर पानी की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो है पानी की फैसिलिटी तो आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन ये एक लॉ है कि जहां पर 250 वर्कर है वहां पर आपको एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन जो है वो प्रोवाइड कराना ही है। फिर उसके बाद है कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, ये जो वर्किंग प्लेस है या फिर यूरिनल्स हो या फिर लैटरिन्स हो या फिर स्पीटून्स हो या फिर कोई भी ओपन ड्रेनेज हो, तो वहां से 6 मीटर की दूरी पर इसको आपको रखना है। यानी कि वहां से 6 मीटर का डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 19 में बताया गया है लैटरिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। तो जहां पर भी 250 वर्कर काम करते हो तो वहां पर लैटरिन्स और यूरिनल्स जो है वो प्रोवाइड कराना है, और उस लैटरिन्स और यूरिनल्स को 7 दिन में एक बार वॉश और क्लीन करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 दिन में एक ही बार करना है, वो आप रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन 7 दिन में एक बार जो है इसको वॉश और क्लीन करते रहना है। फिर उसके बाद सेक्शन 20 में बताया गया है स्पिटून्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्री में स्पिटून्स की जो है वो जगह आपको बनाकर देनी है, और अगर कोई पर्सन उस स्पिटून्स को छोड़कर अगर दूसरी जगह पर अगर थूकता है तो उसको जुर्माना 5 रुपये जो है वो लग सकता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर 3 हेल्थ का था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के चैप्टर 4 के बारे में, जो है सेफ्टी का। तो इसमें टोटल 22 सेक्शन जो है वो दिए गए हैं। तो सेक्शन 21 जो है वो है फेंसिंग ऑफ मशीनरी का, यानी कि फैक्ट्री में जो भी मशीनरी है उनको फेंसिंग होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि जो भी मशीनरी है वो अगर ओपन कंडीशन में है, उसको गार्ड नहीं लगाया है, फेंसिंग नहीं किया गया है, तो जो भी पर्सन उसके नियर में काम कर रहा है तो उसका हाथ हो या फिर पैर हो या फिर उसने अगर लूज क्लोथिंग पहने हो तो वो जो है वो मशीनरी में जाकर फंस सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जो भी मशीनरी फैक्ट्री में है उसको प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 22 में बताया गया है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, यानी कि जो भी मशीनरी मोशन में है यानी कि चल रही है उसके नजदीक में अगर काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो भी एडल्ट वर्कर है जो प्रॉपरली ट्रेन है उसी को ही उस मशीनरी के पास काम करना है, और काम करते वक्त उसने टाइट फिटिंग के जो क्लोथेस है उसी का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उम्र हो या फिर यंग पर्सन हो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 23 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन, यानी कि जो भी डेंजरस मशीन है वहाँ पर यंग पर्सन्स को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, वहाँ पर काम नहीं देना है, क्योंकि डेंजरस मशीन जो है वो काफ़ी हजार्डस हो सकती है, जिसकी वजह से यंग पर्सन्स को खतरा हो सकता है। तो वहाँ पर जो भी एडल्ट पर्सन हो, जो प्रॉपर ट्रेन हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो, उसी को ही उस डेंजरस मशीन के ऊपर काम देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 24 है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, यानी कि फैक्ट्रीज में जो भी मशीनरीज है तो उस मशीनरीज का पावर जो है वो कट ऑफ होने के लिए एक ऐसा वहां पर डिवाइस होना चाहिए या फिर हमें वहां पर एक ऐसा स्ट्राइकिंग गियर जो है वो लगाना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मशीनरी के बाजू में जो है वो आपको एक लाल बटन जो है वो दिखाई देती है, जिसके ऊपर इमरजेंसी स्टॉप जो है वो लिखा हुआ रहता है। तो वो इसलिए दिया रहता है कि इमरजेंसी के वक्त आप उस पावर को कट ऑफ कर सको। फिर उसके बाद सेक्शन 25 में बताया गया है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के बारे में, यानी कि ऐसी मशीनरी जो ऑटोमेटिक मोड में काम करती हो। तो ऐसी मशीनरी जो है आपको ऐसी प्लेस में इंस्टॉल करनी है ताकि वहां पर आने जाने का जो भी रास्ता है उसको डिस्टर्ब ना हो या फिर कोई भी आदमी वहां से जाना आना ना करे। फिर उसके बाद सेक्शन 26 में बताया गया है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर नई मशीनरी को अगर बनाता है तो उस मैन्युफैक्चरर ने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी मशीनरी वो बना रहा है तो वहाँ पर उस मशीनरी को उसको केसिंग करना है, यानी कि उसको गार्ड लगाना है, यानी कि मशीनरी का कोई अगर डेंजरस पार्ट अगर ओपन है तो उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसी नई मशीनरीज को बनाते वक्त उसने जो है उस मशीनरीज को केसिंग करना है या फिर गार्ड लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन 27 है
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रंस नियर कॉटन ओपनर्स, यानी कि कॉटन ओपनर्स के पास में वहाँ पर किसी भी वुमन को या फिर चिल्ड्रन को काम करने नहीं देना है, क्योंकि वुमन जो है वो ज़्यादातर उसके जो है वो बाल लंबे होते हैं और लूज क्लोथिंग पहनते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर ट्रैप होके वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, और चिल्ड्रंस जो है वो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो उनकी तरफ से ज़्यादा अनसेफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कॉटन ओपनर्स के पास में उनको वहाँ पर काम नहीं देना है, वहाँ पर उनको काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद सेक्शन 28 है हॉइस्ट एंड लिफ्ट के बारे में, तो जितने भी हॉइस्ट है और लिफ्ट है उनका 6 महीने में जो है एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 29 में बताया गया है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स और लिफ्टिंग टैकल्स के बारे में, यानी कि जो भी लिफ्टिंग मशीनरीज है, चेन्स है, रोप्स है, उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है वो वहाँ पर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद का सेक्शन 30 है वो है रिवॉल्विंग मशीनरी, जैसा कि कटिंग के लिए हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर फैक्ट्रीज हो तो वहाँ पर बड़ी कटिंग मशीन्स होती है, तो उसका जो आरपीएम है वो सही है क्या, वो हमें यहाँ पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद सेक्शन 31 है प्रेशर प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि प्लांट में जो भी हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मशीनरीज हो या फिर कोई भी वेसल्स हो, तो उसका अगर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अगर वहाँ पर कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ या फिर सेफ्टी इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए वहाँ पर जो भी प्रेशर वेसल्स हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो तो उसको हमें प्रॉपरली इंस्पेक्शन करते रहना है, ताकि उसमें अगर कोई खराबी आए तो हम तुरंत ही उसको रिपेयर कर सके, उसको सुधार सके, और उसके अलावा उस प्रेशर वेसल का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का, उसको हमें हर 6 महीने में जो है वो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना है। फिर उसके बाद सेक्शन 32 है फ्लोर्स, स्टेयर्स और मीन्स ऑफ एक्सेस के बारे में, यानी कि जो भी हमारे पास फ्लोर्स है, स्टेयर है या फिर जहाँ पर भी एक्सेस बना है तो वो प्रॉपर मटेरियल से बनना होना चाहिए और उसके पास कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, और हमें बार बार जो है उस एक्सेस को क्लीन करते रहना है ताकि उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। फिर उसके बाद सेक्शन 33 में बताया गया है पिट्स, सम्स और ओपनिंग इन फ्लोर्स के बारे में, यानी कि फैक्ट्रीज में या फिर कंपनीज में कोई भी अगर पिट हो या फिर कोई सम्स हो या फिर कोई भी फ्लोर को ओपनिंग हो तो वो हमें क्लोज करके रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें कोई भी ओपनिंग नहीं देनी है कि जिसकी वजह से कोई हादसा हो। फिर उसके बाद है सेक्शन 34 जो है एक्सेसिव वेट, यानी कि पर्टिकुलरली किस पर्सन ने कितना वेट उठाना चाहिए इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जैसे कि कोई अगर एडल्ट मेल है तो उसने 50 केजी जो है वो वेट उठा सकता है, अगर एडल्ट फीमेल है तो वो 30 केजी तक लोड उठा सकता है, एडोलसेंट मेल अगर है तो वो 30 केजी उठा सकता है, एडोलसेंट अगर फीमेल है तो वो 20 केजी उठा सकती है, मेल चाइल्ड है तो वो 16 केजी वेट उठा सकते हैं, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो 13 केजी वेट उठा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन 35 जो है प्रोटेक्शन ऑफ आई के बारे में, यानी कि जब भी हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें हमारे आई पर सेफ्टी गॉगल जो है वो लगाना है, या फिर सूटेबल जो गॉगल है उसको हमें लगाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो आपकी आँखों में जा सकते हैं, या फिर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपकी आँखों में जाकर उसको इंजुरी कर सकता है, इसलिए आप जब भी काम करो तो वहाँ पर आपको आपके आई को प्रोटेक्ट करना है, वो भी सेफ्टी गॉगल से। फिर उसके बाद सेक्शन 36 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एक्सेट्रा इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डेंजरस फ्यूम जनरेट होते हैं या फिर गैसेस जो है वो निकलती है, तो उसके अगेंस्ट हमने क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले हमें गैस टेस्ट वहाँ पर करनी है कि कोई भी डेंजरस गैसेस वहाँ पर अवेलेबल है क्या, और जो प्रॉपर और ट्रेन पर्सन है उन्हीं को ही हमें परमिशन देनी है उस कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए, और वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का प्रॉपर परमिट होना चाहिए कि वहाँ पर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी प्रोविजंस यहाँ पर दी गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 36A है जिसमें बताया गया है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट, तो पोर्टेबल जो इलेक्ट्रिक लाइट है जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैक्सिमम 24 जो है वो वोल्ट होना चाहिए, यानी कि 24 वोल्ट वाला ही हमें इलेक्ट्रिक लाइट वहां पर इस्तेमाल करना है।
फिर उसके बाद सेक्शन 37 में बताया गया है एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल जो डस्ट है, गैस है, उसके बारे में। फिर उसके बाद है सेक्शन 38 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। तो इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्री में हो या फिर फैक्ट्री में, जहाँ कहीं भी हॉट वर्क का काम होता हो जिससे फायर उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर हमें नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो लेनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हॉट वर्क में आता है ग्राइंडिंग हो या फिर वेल्डिंग हो, तो वो काम करते समय उसके नियर में अगर कोई फ्लैमेबल मटेरियल है तो उसको हमें वहाँ से हटाना है। अगर हम उसको नहीं हटा सकते हैं तो कोई फायर रिटार्डर जो मटेरियल है उससे हमें उसको ढांकना है, या फिर हमें कोई ऐसा पार्टीशन करना है ताकि हॉट वर्क करते वक्त कोई भी फायर की चिंगारी जो है वो वहां तक ना पहुंचे। इसके अलावा जहां पर भी ये काम हो रहा है वहां पर हमें फायर इक्विपमेंट जो है वो रखना है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर फायर बकेट हो, वो वहां पर रखनी है। तो ऐसी प्रिकॉशन हमें लेनी होती है। फिर उसके बाद सेक्शन 39 में बताया गया है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद सेक्शन 40 में बताया गया है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी के बारे में। सेक्शन 40A में बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। सेक्शन 40B में बताया गया है सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जहां भी 1000 वर्कर काम करते हो या फिर उससे अधिक अगर वर्कर काम करते हो तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, या फिर कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है या फिर हेल्थ के रिलेटेड वहां पर हजार्ड मौजूद है, तो वहां पर भी सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होना चाहिए। तो इस सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है। और फिर उसके बाद सेक्शन 41 है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर 4 है सेफ्टी का, जिसमें टोटल 22 सेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें कुछ जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 4A में बताया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डस प्रोसेस। इसमें सेक्शन 41A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट्री हो या फिर इंडस्ट्री हो उसमें अगर हजार्डस प्रोसेस करना हो, या फिर जिस फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हजार्डस प्रोसेस चल रही है उसको एक्सपांड करना हो, तो उसके लिए जो है उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि इस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए एक साइट अप्रेजल कमेटी जो है वो अपॉइंट करता है। और ये साइट अप्रेजल कमेटी का ये काम होता है कि वो जो एप्लीकेशन आई हुई है कि जिस फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हजार्डस प्रोसेस जो है वो चलने वाले है, तो उसको वो एग्जामाइन करे। इसके अलावा साइट अप्रेजल कमेटी को अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी, यानी कि जो भी हजार्डस प्रोसेस के रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो जो भी एप्लीकेशन जिस ओनर की तरफ से आई है तो उसको वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है या फिर डाटा जो है वो मांग सकते हैं। और साइट अप्रेजल कमेटी ने इसका जो टोटल रिकमेंडेशन है वो विथिन 90 डेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में जो है उनको बताना होता है कि इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि इसका अप्रूवल देना है या नहीं देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 41C में दिया गया है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजार्डस प्रोसेस, यानी कि ऑक्यूपायर जो भी हजार्डस प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 41D में दिया गया है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। फिर उसके बाद सेक्शन 41E में दिया गया है इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसमें दिया गया है कि ऑन साइड इमरजेंसी प्लान हो या फिर ऑफ साइड इमरजेंसी जो प्लान हो वो इनके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 41F में दिया गया है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी केमिकल हो या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो तो उसको जो परमिसिबल लिमिट्स है उसमें ही जो है वो बाहर छोड़ना है। फिर उसके बाद सेक्शन 41G है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 41H में दिया गया है राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, यानी कि वर्कर्स को काम करते वक्त या फिर कहीं पर डेंजर अगर दिखता है तो उसने वो इमीडिएट वो काम छोड़ना है और उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने सुपरवाइजर को करनी है, और सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको वो रेक्टिफाई करे। तो यहाँ पर वर्कर का ये राइट है कि जहां पर भी उसको डेंजर दिखता है तो वो काम ना करे और उसकी जो रिपोर्ट है वो सुपरवाइजर को करे।
फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 5 में बताया गया है वेलफेयर के बारे में, जिसमें सेक्शन 42 है वॉशिंग फैसिलिटी, यानी कि जो भी फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है वहाँ पर वर्कर लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि वॉशिंग बेसिन वगैरह हो गया एक्सेट्रा। यानी कि वर्कर जो भी वहाँ पर काम करते हैं, केमिकल को हैंडल करते हैं, तो जो भी बैक्टीरिया उनके हाथ पर होता है तो उसको वॉश करने के लिए वहाँ पर वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 43 है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, यानी कि वर्कर के जो भी क्लोथिंग है उसको ड्राई करने के लिए, स्टोर करने के लिए वहां पर जो है लॉकर हो तो वो फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद है सेक्शन 44, उसमें दिया गया है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। इसमें बताया गया है कि वर्कर लोगों के लिए सिटिंग की फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 45 में बताया गया है फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में। इसमें बताया गया है कि हर एक 150 वर्कर के ऊपर वहां पर एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसको हैंडल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, और वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सर्टिफाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पर जब तक काम चलेगा तब तक वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने वहां पर रहना है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 500 के ऊपर अगर वर्कर वहां पर है तो वहां पर एम्बुलेंस भी जो है वो प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 46 में बताया गया है कैंटीन्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर वर्कर 250 से अगर ज्यादा है तो वहां पर कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 47 में बताया गया है शेल्टर्स, रेस्ट रूम और लंच रूम्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर वर्कर 150 से अगर ज्यादा है तो वहां पर शेल्टर, रेस्ट रूम्स और लंच रूम्स की फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड करानी है। फिर उसके बाद सेक्शन 48 है क्रेचेस के बारे में। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में अगर 30 से ज्यादा उम्र अगर काम कर रही है तो वहां पर क्रेचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 49 है वेलफेयर ऑफिसर्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में हो या फिर इंडस्ट्री में अगर 500 वर्कर्स या फिर उससे भी ज्यादा वर्कर्स है तो वहां पर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, और ये वेलफेयर ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होना चाहिए, तो ये सारा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और फिर उसके बाद सेक्शन 50 है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 6 है वर्किंग हावर्स ऑफ एडल्ट्स। इसमें सेक्शन 51 है वीकली हावर्स। तो इसमें बताया गया है कि वीक में टोटल जो है 48 हावर्स तक ही काम करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 52 है वो है वीकली हॉलीडेज। इसमें बताया गया है कि वीक में एक बार जो है वो हॉलीडे मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 53 है कंपेंसेटरी हॉलीडेज, यानी कि जो कंपल्सरी हॉलीडेज है वो भी मिलने चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 54 है डेली हावर्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि डेली में 9 हावर्स तक ही काम करना है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा अगर काम करना है तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर से आपको परमिशन लेनी है, लेकिन उसके लिए जो है वो मैक्सिमम 12 घंटे तक ही काम कर सकते हैं, यानी कि 9 घंटे प्लस 3 घंटे वहाँ पर एडिशनल मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी के ओनर को उसके लिए ओवर टाइम देना होगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 55 जो है इंटरवल्स फॉर रेस्ट। तो इसमें बताया गया है कि 5 घंटे के बाद हाफ घंटे का रेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शन 56 है वो है स्प्रीड ओवर। इसमें बताया गया है कि 9 घंटे का जो डेली का काम होता है, लेकिन उसमें जो है 1 घंटा रेस्ट जोड़ा नहीं जाता है, यानी कि टोटल 10 घंटे की जो है ऐसे ड्यूटी होती है जिसमें 9 घंटा काम करना होता है और 1 घंटा जो है वो वहां पर रेस्ट मिलता है, और वो जो रेस्ट है वो आधे घंटे बढ़ भी सकता है, यानी कि ऐसे टोटल 10.5 घंटे जो है वो स्प्रीड ओवर यहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 57, उसमें नाइट शिफ्ट के बारे में बताया गया है। तो नाइट शिफ्ट में जो है जैसे कि वुमन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं है, या फिर चिल्ड्रंस को भी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद है सेक्शन 57 जो है नाइट शिफ्ट के बारे में। इसमें बताया गया है कि वुमन को और चाइल्ड को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए परमिशन नहीं है। अगर वुमन को अगर काम करना है तो मॉर्निंग 6 से लेकर 7 के बीच में ही वो काम कर सकती है। फिर उसके बाद है सेक्शन 58 प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। इसमें बताया गया है कि कंटिन्यू जो शिफ्ट है, यानी कि पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद जो दूसरी शिफ्ट चालू होती है तो उसमें वर्कर काम नहीं कर सकते हैं, मतलब पहली शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद दूसरी शिफ्ट में जो है वो लगातार काम नहीं कर सकते हैं, उसमें जो है वो गैप होनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय की अगर शिफ्ट चेंज करना है तो वीकली ऑफ होने के बाद ही आप उसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हो।
फिर उसके बाद है सेक्शन 59, जिसमें बताया गया है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवरटाइम के बारे में, यानी कि डेली हावर्स के बाद भी अगर वो ओवरटाइम में काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा वेजेस जो है वो ओनर को देना होगा। फिर उसके बाद है सेक्शन 60, जिसमें बताया गया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 61 है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स। सेक्शन 62 है रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। सेक्शन 63 है हावर्स ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 61 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 62। सेक्शन 64 है पावर टू मेक एक्सेप्टिंग रूल्स। सेक्शन 65 है पावर टू मेक एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स। सेक्शन 66 है फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 7 में बताया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में, जिसमें सेक्शन 67 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। इसमें बताया गया है कि जो भी चिल्ड्रंस जिनकी 14 से कम उम्र है तो उनको काम पर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो भी एडोलसेंट पर्सन है, यानी कि जिसकी एज 15 से 18 साल के बीच में है, तो उनको एज ए एम्प्लॉय करके आपको ट्रीट नहीं करना है जब तक उनके पास फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं आता है, वो भी एक सर्टिफाइड सर्जन से। फिर उसके बाद सेक्शन 68 है नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन्स। फिर उसके बाद सेक्शन 69 है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो भी यंग पर्सन है उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन वो यंग पर्सन खुद लिख सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स लिख सकते हैं, या फिर वहाँ के मैनेजर भी लिख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये सर्टिफाइड सर्जन को देनी है कि इस यंग पर्सन का मेडिकल फिटनेस करना है। फिर सर्टिफाइड सर्जन जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि वो फिजिकली काम करने के लिए सही है या नहीं है। और अगर सही है तो 12 महीने के लिए उसको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। अब इसमें जो है दो तरीके के सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक है एज अ चाइल्ड करके और दूसरा है एज अ एडल्ट करके। तो जो भी यंग पर्सन है जिसने 14 साल की उम्र जो है वो पार कर ली है लेकिन 15 साल की उम्र पार नहीं की है, तो उसको एज अ चाइल्ड करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो यंग पर्सन है जिसने 15 साल की उम्र पार कर चुका है तो उसको एज अ एडल्ट करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये 12 महीने के लिए ही वैलिड रहेगा। और यहाँ पर जो एडोलसेंट पर्सन है वो 6 से 7 बजे तक ही काम कर सकेगा, यानी कि उसको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना है। फिर उसके बाद सेक्शन 70 है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलसेंट। फिर उसके बाद सेक्शन 71 है वर्किंग हावर्स फॉर चिल्ड्रन। फिर उसके बाद सेक्शन 71 है वर्किंग हावर्स फॉर चिल्ड्रन। इसमें बताया गया है कि जो भी चिल्ड्रन है उसने पर डे में 4.5 घंटे तक ही काम करना है, उसने नाइट वर्क में काम नहीं करना है, वो प्रोहिबिटेड है। और वो जो चिल्ड्रन है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में ही काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी की ओनर को चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी होगी। और उसका जो स्प्रीड और पीरियड रहेगा वो 5 घंटे तक रहेगा, यानी कि 4.5 घंटा पर डे जो है वो काम करेगा और आधे घंटे का उसको वहां पर रेस्ट मिलेगा। चिल्ड्रन की अगर शिफ्ट चेंज करना है, यानी कि एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में अगर उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो है आफ्टर 30 डेज के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। और मैक्सिमम 2 शिफ्ट में ही चिल्ड्रन जो है वो काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 72 है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। सेक्शन 73 है रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। सेक्शन 74 है हावर्स ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 72 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 73। सेक्शन 75 है पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 76 है पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 77 है सर्टन अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट बेयर। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 8 में बताया गया है एनुअल लीव विथ वेजेस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 78 है एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। सेक्शन 79 है एनुअल लीव विथ वेजेस। इसमें बताया गया है कि जो भी वर्कर जो कैलेंडर ईयर में 240 दिन तक काम करता है, कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो भी वर्कर 240 दिन काम करता है, तो उसको एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। तो उसमें अगर एडल्ट पर्सन है तो उसको जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि जो करस्पॉन्डिंग ईयर है, तो उसमें 20 दिन के बाद जो है 1 दिन का एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। और अगर कोई चाइल्ड पर्सन है तो उसको नेक्स्ट ईयर में यानी कि करस्पॉन्डिंग ईयर में 15 दिन के बाद 1 दिन का एनुअल लीव विथ वेजेस मिलना है। फिर उसके बाद सेक्शन 80 है वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड। फिर उसके बाद सेक्शन 81 है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टन केसेस। सेक्शन 82 है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस।
सेक्शन 83 है पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 84 है पावर टू एक्सेम फैक्ट्रीज, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में चैप्टर 9 में बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें सेक्शन 85 है पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टन, सेक्शन 86 है पावर टू एक्सेम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन 87 है डेंजरस ऑपरेशंस। तो इसमें बताया गया है कि जो भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चालू है या फिर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करेगी कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पर हो रही है वो डेंजरस ऑपरेशन है क्या। अगर स्टेट गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को बोल देती है कि आप जो ये कर रहे हैं ये डेंजरस ऑपरेशन है, तो डेंजरस ऑपरेशन के रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स है वो प्रोसीजर्स है वो आपको फॉलो करने होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 87A है पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस, सेक्शन 88 है नोटिस ऑफ सर्टन एक्सीडेंट्स। तो इसमें बताया गया है कि फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में जो भी अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर्स को बैड इंजरी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उस एक्सीडेंट की वजह से वो 48 घंटे तक कंपनी में दोबारा काम करने के लिए नहीं आ सकता है, तो उस एक्सीडेंट का जो नोटिस है या फिर रिपोर्ट है वो जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर्स को देना है। फिर उसके बाद सेक्शन 88A है नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंसेस, यानी कि फैक्ट्री में जो भी डेंजरस ऑकरेंस अगर होता है तो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर को देनी है। फिर उसके बाद सेक्शन 89 है नोटिस ऑफ सर्टन डिसीजेस, फिर उसके बाद सेक्शन 90 है पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज, फिर उसके बाद सेक्शन 91 है पावर टू टेक सैंपल्स, सेक्शन 91A है सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वेज, फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 में चैप्टर 10 है वो है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें सेक्शन 92 है जनरल पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। तो इसमें बताया गया है कि ये फैक्ट्री एक्ट के जो रूल्स है उसको अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए 2 साल की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख का फाइन भी हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और अगर वो जो ऑफेंस है वो अगर सेकंड टाइम भी करता है तो पर डे जो है उसको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा जब तक उसका जो ऑफेंस है वो चलते रहता है, और फिर भी उसका ये ऑफेंस खत्म नहीं होता है और वो चलते रहता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है और 10,000 से लेकर 2 लाख तक उसको फाइन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस आते हैं, तो ये जो सेक्शंस है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप जो है इसको यहाँ पर रीड कर सकते हो कि वो सेक्शन क्या है, और अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप फैक्ट्री एक्ट 1948 को भी पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर 11 आता है वो है सप्लीमेंटल का, तो इसमें भी कई सारे ऐसे सेक्शन दिए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इनको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कौन से सेक्शन क्या डील्स करते हैं और उसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप फैक्ट्री एक्ट 1948 को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।